हे गाइस, वेलकम बैक अनदर वीडियो ऑफ आर्क सर्वाइव एवर मोबाइल एडिशन। तो कैसे हैं आप लोग, आई होप सब ठीक होंगे। तो गाइस, आज की वीडियो में हम टेम करने वाले हैं गिगेंटोसोरस को, और काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, तो प्लीज़ यार लास्ट तक देखना। और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो जाके प्लेलिस्ट चेक करिए, जहाँ पे मैंने काफ़ी इंटरेस्टिंग प्लेलिस्ट बना के रखी है, टेम क्रीचर्स, फाइंड रिसोर्सेज, और उसमें मैंने आपको बताया है कि फ्री में एंसेंट एम्बर अनलिमिटेड कैसे ले सकते हैं और डोडो फेदर कैसे ले सकते हैं। गाइस, काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो आपको मिल जाएंगे, और अगर कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। तो चलो फटाक से वीडियो स्टार्ट करें बिना किसी देरी के। ओके गाइस, तो हम आ चुके हैं पब्लिक के पास, यहाँ पर हम क्यों आएँ अभी मैं आपको बताता हूँ। मैंने काफ़ी सारी कैब रन करी थी और वहाँ पर आर्टिफैक्ट कलेक्ट करे थे, जिससे मुझे काफ़ी सारी चीज़ें मिली है। देखिए, और इससे मुझे सूती बम भी मिल गया फ्री में, तो एम्बर भी यूज़ नहीं करना पड़ा। तो और काफ़ी सारा पॉइंट डस्ट मिल गया, काफ़ी सारे ब्लूप्रिंट हैवी डैमेज वाले वेपन के, तो काफ़ी सारी चीज़ें मुझे मिल गई। और अगर आप चाहते हो कि मैं केव रन कैसे करना है उस पर एक वीडियो बनाऊं, तो प्लीज़ कमेंट कर देना, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। तो फटाक से हम चलते हैं हमारे गिगेंटोसोरस के पास। ओके गाइस, तो काफ़ी देर ढूंढने के बाद हमें मिला हमारा गिगेंटोसोरस। जब हमें टेम नहीं करना होता तो काफ़ी सारे गिगेंटोसोरस मिल जाते हैं, बट जब हमें टेम करना रहता है तो मिलते नहीं हैं। तो हमें एक मिला है, और इसके बारे में मुझे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट पता चला है कि अगर आप ग्रिफिन की राइड करते हुए घीघा के पास जाते हैं तो घीघा आप पे अटैक नहीं करता। काफ़ी इंटरेस्टिंग है, आप चाहो तो इसका यूज़ कर सकते हैं। और हमारे गीगा का लेवल काफ़ी कम है, सिर्फ 5 लेवल का था, तो फटाक से हम उसका लेवल अप कर लेते हैं। भाई, गॉड कंसोल किस दिन काम आएगा। तो हम इसका लेवल कर लेते हैं अराउंड 250 के लगभग कर लेते हैं। भाई, ज़्यादा में ऐसा ना हो, हमें दिक्कत हो जाए। ओके, 254 हो चुका है, तो अब हम इसे टेम करते हैं। हम चाहते हैं, अगर चाहें तो इसके ऊपर से ही उस पर टेंकुलर से डॉट मार सकते हैं, बट यार वो फिर हमारे पीछे लग जाएगा और हमें डैमेज देगा, इसलिए अच्छा होगा कि हम उसे ट्रैप कर दें। लेकिन 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 ग्रिफिन के ऊपर से ट्रैप लग नहीं रहा है, और अगर अभी मैं नीचे उतरा तो ये मुझे फेल देगा, और पहले एक बार फेल चुका है, मुझे मार चुका है, मेरे ग्रिफिन को मार चुका है। लेकिन मैंने गेम को फिर से रिस्टोर करा सेव करे हुए को, तो भाई मैं वापस, मेरा ग्रिफिन आ चुका है। और आप अगर चाहो, मतलब भाई आप लोग भी किसी को टैम करने जाते हो या कैब रन करते हो या डायगोन करते हो, तो आप भी ऐसे कर सकते हो सेव, और जिसे आपके, चलो आर्मर पहन लेते हैं, जिसे आप अगर मरते हो आपकी चीज़ें लॉस हो जाती है। अगर आप कैजुअल सर्वर खेलते हो तो वैसे भी आपकी चीज़ें कम ही लॉस होगी, बट काफ़ी सारी चीज़ें जो रहती है वो आपकी लॉस हो जाती है, तो आप उसे सेव करोगे और फिर से रिस्टोर करोगे तो नहीं होगा। तो फटाक से हम अब जाने वाले हमारे आर्नो पे बैठ के, तो हम आर्नो को वहाँ पर बुला लेते हैं फटाक से। ओके, तो हमारा आर्नो आ चुका है, तो हम इस पर बैठ के चलते हैं और फटाक से हम उस पर ट्रैप लगाते हैं और गीगा को टैम करते हैं। और आगे मैं वीडियो में बताने वाला हूँ, अगर किसी को नहीं पता हो भाई सेव कैसे करते हैं और कैसे फिर से रिस्टोर करते हैं, तो मैं अभी आपको गीगा के पास जाके बता दूंगा सेव, और सेव करके बता दूंगा, रिस्टोर करना तो ईजी हो जाता है। तो हम गीगा कहाँ था भाई हमारा, ज़रा उसे ढूँढ लेते हैं, क्योंकि मैं अभी उसे भूल चुका हूँ कि कहाँ पर था, तो फटाफट से हम उसे ढूँढ लेते हैं। ओके, तो हमें हमारा गीगा मिल चुका है, अब हम करने वाले हैं गेम को सेव। तो सेव करने के लिए सबसे पहले भाई आपको जाना है इस ऑप्शन में, और आपको इस पर मैनुअल सेव कर लेना है। मैनुअल सेव करके आपको हो जाना है लीव आर्क, गेम से बाहर आ गए आप। ओके, तो इसे प्रोसेस को हो जाने देते हैं। ओके, तो अब हम जाना है मैनेज में,
और इसी किसी भी एक ड्राइव में आप इसे सेव कर सकते हो, और जिसमें आपने पहले गेम सेव करा है उसी में भी आप कर सकते हो, वो बस यस और नो पूछेगा, तो आप इजीली उसे सेव करके और आपका गेम वहाँ पे सेव हो जाएगा। अगर आप मरते हो तो जिस ड्राइव में आपने सेव करा उस ड्राइव में जाइए और रिस्टोर दबा दीजिए, तो आपने जहाँ से गेम को सेव करा था गेम वहीं से स्टार्ट हो जाएगा। ओके, तो हमने अब गेम को सेव कर चुके हैं और अब हम आ गए हैं। अरे ये क्या हुआ, गॉट कंसोल, जैसे हमने गेम रिस्टार्ट करा तो हमारा गॉट कंसोल ऑफ हो गया, तो आर्मी पे वेट काफ़ी बढ़ गया, हमें कुछ चीज़ें फेंकनी पड़ेगी और मुझे क्या फेंकूँ, चलो एक ही फेंक देता हूँ, फालतू में रखें। ओके, तो अब बैट ठीक है, अबे बहुत स्लो चल रही है, अभी भी बैट ज्यादा है इस पे। ओके, तो हम थोड़ा सा गॉड कंसोल का यूज कर लेते हैं इनफिनाइट स्टेटस और चलते हैं हमारे गीगा को पकड़ने। तो गीगा अभी फिलहाल में नीचे गिर चुका है ये कारनों के पीछे, और अगर आप आर्नो पे बैठ के जाते हो मकड़े पे, तो आप पे आर्क मोबाइल में मौजूद कोई भी डायनासोर का कोई सा भी डायनासोर हुआ आप पे अटैक नहीं करता, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। और इसने यहाँ पे कारनों को निपटा दिया है, तो अभी ये फ्री हो गया है, अब हम पे ध्यान दे सकता है, लेकिन हम पे देगा नहीं, लेकिन हम अरे अब हमें डैमेज तो होगा ना यार, मैं भी उसके पास से चला गया, हमें डैमेज तो होगा ना, वो हमें आइडेंटिफाई वाले ना कर सके, बट डैमेज तो हो जाएगा। तो ये जगह काफ़ी सही लग रही है, वैसे है नहीं है, तो यहाँ पे हम लगा सकते हैं हमारा ट्रैप, ये बिजी जब तक हम फटाफट से ट्रैप लगा लेते हैं। ये मेरा फर्स्ट गीगा टैम है, तो पता नहीं होगा या नहीं होगा, क्योंकि इससे पहले मैंने कभी गीगा टैम नहीं करा है, तो ये ठीक रहेगा क्या पता नहीं यार, ट्राई तो करना पड़ेगा, और अगर कुछ गड़बड़ हुई तो गेम हमारा सेव तो ही रिस्टोर कर लेंगे। काफ़ी सारे ट्रैप लगा देता हूँ इसके अंदर, ताकि अगर ये अंदर आए तो हमें ऑलमोस्ट इतना टाइम मिल सके कि हम पीछे भी डोर फ्रेम लगा सकें, जिससे ये कि अंदर ही फंसा रहेगा। अबे निकल, नहीं यार घूम के जाना पड़ेगा। ओके ओके ओके, तो काफ़ी सही लग रहा है, बट जब हम इसे ट्राई करेंगे तभी पता चलेगा ये सही है या नहीं है। तो अब हम करने वाले हैं ट्राई, और उसे पड़ी पड़ी भाई गुस्सा हो गया, आजा आजा आजा, नहीं अबे इधर से नहीं आना है, उधर से, अबे ये तो मार देगा, अबे अब मार के बता, मार के बता। वैसे अगर मैं नहीं यूज़ करता गॉड कंसोल का तो भी इसे आसानी से टैम कर लेते, कोई दिक्कत वाली बात थी नहीं। अब थोड़ा ये इस साइड आ गया, तो शायद हम इस पर अटैक करके इसे अंदर बुला सकते हैं। तो अभी हम आर्नो पे बैठे थे इसलिए इसने ज़्यादा डैमेज नहीं दिया, एक या दो हिट ही दी थी, और ये हमारे वाले में भूल गए। ये ओके, ये आ चुका है, ये अंदर आ चुका है, हम फटाफट से जाके पीछे से इसके गेट लगा देते हैं, मतलब डोर फ्रेम लगा देते हैं। चलो जल्दी चलो घूम के जाते हैं गाइस, नहीं तो हमें ये आइडेंटिफाई तो नहीं कर पाएगा, बट हमें डैमेज तो आएगा क्योंकि इससे डैमेज काफ़ी होता है। नहीं लग रहा अबे, तो पीछे नहीं लगेगा, चलो जहाँ कहीं भी लगा देते हैं, कैसे भी लगा देते हैं फटाफट से, क्योंकि ये अगर थोड़ी सी गैप रह भी जाती है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि काफ़ी बड़ा डायनासोर है तो निकल तो पाएगा नहीं आसानी से। ठीक है, ये भी ठीक है, चलो हो गया। अब हम फटाफट से गाइस इसे कर लेते हैं अनकॉन्शियस, क्योंकि आपको ज़्यादा टाइम तो इसे अनकॉन्शियस करने में ही लगेगा। तो हम फटाफट से, मैं वीडियो को स्किप कर देता हूँ, थोड़ा फास्ट कर देता हूँ ताकि फटाक से हो जाए, क्योंकि इसे बहुत सारे एमओ लगने वाले हैं। तो फिलहाल मेरे पास एमओ है 219, तो हम देखते हैं इसे कितने एमओ लगते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं फटाक से।
ओके तो हमारा गीगा नॉक हो चुका है और इसे नॉक करने के लिए हमें लगे 82 डॉट्स जो कि काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि ये डॉट्स की ट्रॉपर काफ़ी हाई होती है दूसरे डायनोस को भाई नॉक करने के लिए ज़्यादा नहीं बस दो या तीन या और ज़्यादा बड़ा हुआ तो चार इससे ज़्यादा नहीं लगते हैं डॉट बट इसे 82 लगे तो हम इसे फटाक से सूथिंग बम खिला देते हैं और अब हम बना लेते हैं इसके लिए किम्बल भाई कहाँ इसे कहीं रखते ना पड़ेगा लेकिन इसे रखने के लिए चाहिए फ्लैट फ्लैट इस जगह चाहिए बट नहीं मिल रही यहाँ पे नहीं 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 अब कहाँ रखूँ इसे मतलब टाइम करने के लिए चाहिए हमें क्विंजल किम्बल तो भाई कहाँ रखूँ कहाँ रखूँ नहीं रखा रहा काम करते हैं गाइस हम बना लेते हैं एक फाउंडेशन बना लेते हैं फाउंडेशन के ऊपर इसे रख देंगे ज़्यादा यूज हो जाएगा देखते हैं रखा जाए ऐसा नहीं हो उसका टारपर ख़त्म हो जाए और हम किम्बल ही ना बना पाए ओके तो ये हो चुका है हम फटाफट से किम्बल बना लेते हैं और किम्बल कहाँ मिलेगा क्विंजल 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 कहाँ है भाई कहाँ है जल्दी मिल जा ये मिला ओके तो हम फिलहाल में तीन बना लेते हैं लगेगा तो और बना लेंगे और ये हमने डाल दिया और ये क्या हुआ भाई मतलब ये क्या हुआ बस तीन सॉरी एक किम्बल में इस मुझे नहीं लगा था कि ये एक किम्बल में हो सकता है क्योंकि इससे ज़्यादा किम्बल तो रेक्स को लगते हैं और ये मेरा फर्स्ट गीगा था तो मुझे पता भी नहीं था कि ये कितने किम्बल में होगा अगर मुझे पता होता कि कैसे एक किम्बल में हो जाएगा तो मैं इसे उसका लेवल कर देता 500 कर देता मैं तो चलो ठीक है हम किसी नेक्स्ट टाइम कर लेंगे मैक्स लेवल का गीगा टाइम करेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में तो अगर आपको देखना है तो अभी भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि 90% भाई 90% ऐसी ऐसे व्यूवर्स हैं जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते कितनी अच्छी बात है गाइस आपको प्राउड होना चाहिए खुद पे कि अगर कोई हमें इतना अच्छा कॉन्टेंट दे रहा है और हो सकता है ज़्यादा अच्छा ना हो बट आपको गाइस सब्सक्राइब तो कर ही देना चाहिए पैसे नहीं लगते तो हम अगर आप वीडियो आए तो देख रहे हो तो आगे भी देख ले हम इसे रिकलर करने वाले हैं ये हमें एक और फीचर मिल जाता है गॉड कंसोल में तो भाई पैसे लगे हैं तो यूज़ पूरा कर ही लेते हैं और आप नीचे कमेंट करके बताना कि आपको कौन सा कलर अच्छा लगता है मुझे तो पर्सनली रेड ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि ये काफ़ी डेंजर है और रेड कलर थोड़ा हाँ ये वाला तो काफ़ी सही है और काफ़ी स्लो चलता है ये तो अगर आपको वीडियो देख के कुछ भी अच्छा लगा हो मज़ा आया हो तो प्लीज़ लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और ज़्यादा ही अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ शेयर कर देना और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय सायोनारा खुश रहिए घर पे रहिए और हमारे वीडियो देखते रहिए।